अभी आपको खबर देंगे वजीर आजम से। खैबर पख्तूनख्वा के बरतरफ वज़रा आतिफ खान और शहराम तरकई की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है। वजीर आजम का आतिफ खान और शहराम तरकई पर पार्टी मामलात मीडिया में ले जाने पर इजहार बरहमी। आतिफ खान और शहराम तरकई ने भी वजीर आला के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कहा अब जो भी आपका फैसला होगा सर तस्लीम खम करेंगे। वजीर आजम ने साबिक सूबाई वजरा आतिफ खान और शहराम तरकई को काबीना में वापसी का इंदिया दे दिया। दोनों वजरा अपनी अपनी वजारतों में वापस बहाल कर दिए जाएंगे। अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अयाज क्या तफसीलात हैं आपके पास इस मुलाकात की? जी अब तक बिल्कुल दोनों वज़रा को वज़ीर आज़म ने वापसी का अंदिया दे दिया है और दोनों के जल्द ही वापसी का इम्कान रोशन है, नोटिफिकेशन हो जाएंगे। आज जब दोनों की मुलाकात हुई तो वज़ीर आज़म ने दोनों पर काफी बरहमी का इजहार किया और वज़ीर आज़म का कहना था कि आप लोगों को किसी सूरत भी पार्टी डिसिप्लिन से बाहर नहीं जाना चाहिए था और उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में आप दोनों मेरे सबसे बाएतमाद और बासलाहियत वज़रा थे। आप लोगों ने माजी में भी अपना काम खुद अपने काम से अपने आप को खुद बनवाया है और आपको पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि ये जो मैंने फैसला किया था आपको हटाने का बड़े बोझल दिल के साथ किया था क्योंकि पार्टी शख्सी मफादात से बालतर होती है और हुकूमत और पार्टी मामला चलाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती है। जी बहुत शुक्रिया अयाज। आपके मुताबिक दोनों वज़रा अपनी अपनी वज़ारतों पर वापस बहाल कर दिए जाएंगे।